अध्याय तीन। निदान, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र मिले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चलें। हमने किसी की रोटी सेंत में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाओ। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। और तुम, हे भाइयों, भलाई करने में हियाव न छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वो लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूं। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे।